गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बजे है सुबह के 8, इस वजह से मैं कर रही हूँ आप लोग से गुड मॉर्निंग। आप सोचेंगे इतनी जल्दी जल्दी मॉर्निंग में कहाँ जा रही हैं रेडी होकर के। तो अभी जा रहे हैं कहाँ, डुगू की वैक्सीन लगवाने के लिए जाना था, क्योंकि पहले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बोला ही था कि अब इन 1.5 साल के हो गए हैं, 1.5 साल के बाद वाली जो वैक्सीन होती है वो लगवाना है। तो बस जा रहे हैं लगवाने के लिए। सुबह इवनिंग में भी लगती है, इवनिंग में भी टाइम ले सकते थे, बट इवनिंग में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हीरो निकल जाते हैं ना, तो वो आते हैं डायरेक्ट रात में, कभी 9, कभी 10, कभी 10:30, ऐसे मतलब उनको टाइम फिक्स नहीं होता। इवनिंग में आना फिर पॉसिबल नहीं होता, हम टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। और अभी 8 बज रहे हैं इसीलिए रेडी हो गई हूँ फटाफट से। हीरो भी शावर ले रहे हैं और डुगू हमारे अभी सो रहे हैं। मैं लाइट जला करके बोल भी रही हूँ, ये लड़का जो है कितना भी कर लो लाइट जलने पे सोता नहीं है। और अगर हम, मैं बोल रही हूँ कमरे में इसी वजह से, जब ये सोता है तो मैं बिल्कुल कोई भी व्लॉग नहीं बनाती, कुछ नहीं करती। अगर मैं लैपटॉप पे एडिटिंग भी करती हूँ तो रेड लाइट जला के आप लोगों को दिखाया भी, वैसे एडिटिंग करती हूँ। बट जब जाना होता है कहीं होता है तो महाराज जैसे कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं कि पूछिए मत। हाँ, ये जगता है वही 9, 9:30 बजे तक, कभी कभी 8:30 भी जग जाता है, बट 8 बजे हैं अभी, जगे नहीं है। और इनको जगाने के लिए मैंने लाइट ऑन किया, लाइट ऑन करके मैं रेडी भी हो गई, बस अभी बाल बनाना रह गया। मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, ये उड़ जाएंगे तो फिर ब्लॉग बनाना स्टार्ट करना ऐसे ही मुश्किल हो जाएगा। और सो तो ऐसे रहे कि पूछे मत देखिए महाराज मेरे, बड़े आराम से मतलब एकदम घोड़े बेच के जैसे कहते हैं ना सोना, बिल्कुल वैसे सो रहा है, कोई टस्ट मस्त कुछ नहीं, बहुत गहरी नींद में लग रहा है सो रहा है। बट उठाना तो पड़ेगा ही क्योंकि 9 बजे डॉक्टर बैठ जाते हैं और हम लोग लेट जाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी मिलने जा रहे हैं। लेट जाएंगे तो लेट हम लोग का भी नंबर आएगा, तो मतलब जो हम लोग से पहले आएंगे उन लोग की पहले लगेगी। और जल्दी जाएंगे, जल्दी आएंगे तो फिर हीरो अपने काम पर निकल सकेंगे, मेन रीज़न ये है। तो इसीलिए फटाफट से मैं तो जल्दी से उड़ गई थी, सब कुछ सारा घर की साफ़ सफाई सब कुछ आज 8 बजे से पहले सारा काम कर लिया, सब कुछ हो गया। बस अब नहीं हमारी उड़ी जाए, बस एक ही चीज़ नहीं हुआ है कि लंच वगैरह कुछ भी, मतलब हम ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी नहीं बनाया है, बस वही चीज़ है वो हम लोग बाहर से कर लेंगे। ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, सब आज बाहर से ही होगा। मेन हमारे डुगू हैं, अब देखते हैं उठ जाए ही फटाफट से शावर लेकर के आ जाए। तब तक मैं क्या करती हूँ, मैं बना लेती हूँ बाल और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने बाल भी बना लिया, डुगू का बैग भी रेडी हो गया है, बट डुगू हमारे अब भी नहीं उठे, अब तो इनको फटाफट से लगता है उठाना ही पड़ेगा। उठ गए डुगू, तैयार होने लगे और वो भी नींद में, अभी मुंह भी नहीं धोए, नींद में उठाया गया है तब वो, लेकिन घूमने के नाम पे पूरी यहाँ टकाटक खुल गई इनकी। हाँ, नमस्ते कर ली सबसे, शुभ शुभ गुड मॉर्निंग हो गई। अच्छा जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ फटाफट से, मुंह धोलो आप जल्दी से फटाफट से, उठो चलो भाई लोग निकल रहे हैं। टाटा करो, चलो हम लोग निकल रहे, टाटा डुगू टाटा करो। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 10 और हम लोग आ गए हैं वापस, इतनी जल्दी वापस आ गए क्योंकि हम लोग गए थे यहाँ से वही 8:30 के बीच में, तो निकले गए डुगू उठे फिर उनको रेडी करके, तो हम लोग निकले हैं और आ गए हैं 10 बजे तक वापस इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि आज का दिन कहते हैं, ये कहिए आज का दिन ही हम लोग का ख़राब था, आज का दिन भी ख़राब था, सुबह सुबह हो गया हम लोग का पोपट। इनका डुगू का क्या हुआ, वैक्सीन नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? हाँ, क्यों नहीं लगी? क्योंकि आज है 28 सितंबर और कुछ हम लोग को पता ही नहीं है। जैसे हम लोग का कोई फेस्टिवल होता है तो पता होता है, तो मुसलमानों का जैसे कोई बड़ा फेस्टिवल होता है जैसे ईद वीद होता है तो वो पता होता है। और ये क्या था ईद उल करके पता नहीं क्या था, मतलब पता नहीं था। हम लोग जा भी रहे थे ना, इतने लोग ऑफिस वाले जा रहे हैं तो लग रहा था कि हाँ मतलब ओपन होगा, सब कुछ खुला होगा, मतलब हॉस्पिटल तो ओपन रहता है, हॉस्पिटल ओपन था, बट जो वैसे नॉर्मल जैसे भीड़ होती है बच्चों की वैक्सीन वगैरह लगना, वो चीज़ ओपन नहीं थी आज, मतलब ओपीडी कह सकते हैं कि ओपन नहीं थी। तो इस वजह से आज इनकी वैक्सीन नहीं लगी है। भाई सुबह सुबह बच्चे की नींद खराब हो गई, सबसे मैं नहीं आई क्योंकि वो सुबह रास्ते में आते आते सो रहा था, लेकिन उसको शांति चाहिए होता है, गाड़ी में सो रहा था, उसके बाद आके फिर उठ गया। डैडू डैडू लगे हुए हैं, अब इनको फटाफट से चलूँ पहले, अब खिला देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह इतने सुबह गए थे, दूध ही पी करके, दूध ही पिए थे, दूध पी कर गए थे, फटाफट से इनको कुछ ब्रेकफास्ट कराती हूँ, अभी आए हैं, अब उसके बाद ही कुछ होगा। डुगू आइए बेटा, कम यार, कम ये आ गए, इनको लगी थी नींद। और लेकिन उसके बाद आने के बाद भी ये इनकी शैतानियाँ कम नहीं हो रही, नींद में शैतानी कर रहे फिर भी, है ना। अब चलते हैं। हाँ क्या, अच्छा ब्लू, अच्छा ये दिखा रहे हैं आप लोग अपना पैंट ब्लू ब्लू बता रहे हैं, ब्लू कलर का है सब, तो सारे कलर पहचानते हैं। हाँ पैंट बता रहे हैं, पैंट और क्या है, ऑरेंज पूरा नहीं बोलते हैं तो कह रहे हैं ओ, मतलब टी शर्ट बता रहे हैं, टी शर्ट ऑरेंज कलर की है। कहाँ टी शर्ट, कहाँ है टी शर्ट, कहाँ है डुगू की चलते पहले अभी इनको फटाफट से कुछ खिलाते हैं, उसके बाद हम लोग मिलेंगे, है ना डुगू। चलो चलो चलो, चक्को बाय कर दो अभी, तो मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। क्या हो रहा है, क्या हो गया,
क्यों रोने लगा बाबू? टिक टिक जो बैठा दो ना अच्छे से उसको। गए तो कह रहे थे बहन को टिक टिक बैठाने के लिए, बहन को टिक टिक, वो बहन नहीं बैठी, गिर गई। अच्छा वो फिर अच्छे से बैठाओ, उठा के बैठा दो, अच्छे से बैठा दो, फिर वो बैठ जाएगी। वो बैठी नहीं, गिर जा रहे टेडी बियर, गिर जा रहा है तो रो रहा है। जहाँ आप बैठते हो वहाँ बैठाओ ना बेटा, कहाँ बैठ गई? अच्छा अब आप भी बैठ जाओ, उसको आगे बैठा दिए, पीछे आप बैठ जाओ, उसको घुमा दो फिर जाओ। हाँ जाओ आप बैठ के उसको घूमी घूमी करा दो। लो ऐसे कुछ सरका दे रहे घुमा कर, हाथ धो गई है। वो गिर गई, गिर गई, फिर रोएगा। मतलब उसको घुमा रहे हैं ऐसे और वो गिर रही तो रोना शुरू हो जाता है। हाँ बेटा, तो भाई इस बच्चे को खुद तो टिक टिक पे बैठना ही, साथ में अपनी बहन को भी बैठाना होता है ना। किसको बैठाते हैं? बहन। अच्छा बहन को लेके बैठे हुए, बहन इसको लेकर के बैठे हुए, उसको भी बैठाना होता है। वो बेचारी बैठ, वो मैं भी कह रही हूँ, वो टेडी बियर, अरे बाप रे गुस्सा देखे इनका, वो टिकता तो है नहीं टेडी बियर, वो तो बेचारा गिर जाता। हाँ यो 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 हनी सी हो गया, हो गया, सबको पता बहुत शैतान बच्चे हैं, ठीक है। हम ता थोड़ी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो इनका ता ही लगेगा बस। तो भाई इनको सब कुछ खिला पिला दिए, सब कर दिए महाराज जी को। हाँ ता इनको सब कर दिए, खिला पिला दिए। अब नुन्नू करेंगे? नुन्नू नहीं कर रहे हैं, मैं सोचे नुन्नू कर ले। वैसे तो गाड़ी में महाराज नुन्नू कर रहे, तो अभी 12:30 बज गए, मैं सोची हो सकता हूँ क्योंकि सुबह का उसी टाइम पर चोटू झूठे सुबह का ही उठा हुआ है क्योंकि 8 बजे के करीब ही, हाँ 8 बजे तक इनको उठा दिया। 8 बजे थे, हाँ तब जब 8 बजे थे तब मैं बात कर रही थी, मतलब भाई 5-10 मिनट में फिर इनको उठाया गया है, उठ गए हैं। तो इनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, रास्ते में आते थे थोड़ा गाड़ी पे सोने लगे थे। हाँ तो गाड़ी पे सोना शुरू था, अच्छा ता कर रहे हैं, गाड़ी पे सोना शुरू कर दिए थे। तो हम कहे चलो खिला पिला के इनको थोड़ा सुला दें। हाँ नन्नू कर लो, नन्नू आप, अब नन्नू करो, चलो नन्नू करो। तो हम कहे कि ये सो जाएंगे, लेकिन ये बच्चा सोया नहीं अभी तक भी, ये तहलका मचाया हुआ है। रूम का जो हालत किया है, वो एक रूम अगर ठीक कर दूंगी तो दूसरे रूम में तब तक आकर के तहलका मचा देते। वो रूम ठीक कर दी हूँ, एकदम ठीक है, इसे लाइट बुझाई ताकि एक एक तो ना खराब करे, जब ये सोएंगे तभी मैं इस रूम को ठीक करूंगी। हाँ भाग भाग शैतान, शैतान भाग, शैतान भाग भाग, बहुत शैतान हो गया है, बच्चे को ले जाओ कोई, बहुत शैतानी करता है ये, बहुत शैतानी करता है। हाँ बेबी, हाँ बेबी है ये, नहीं ये बेबी है क्या? आप बेबी हो, कौन है बेबी बताओ, बेबी कौन है पहले बताओ, कौन है बेबी, बेबी कौन है पहले बताओ, क्या मुंह में डाले हो कुछ? लगा लग रहा है इनके टाटू, कहाँ है टाटू? झूठे टाटू नहीं, एक धागा था। बेबी कौन है, कौन है बेबी, बेबी कहाँ है बेबी? अच्छा वो बेबी है, प्यार कर लो बेबी को, नीनू करा दो। और दुर्गू सॉरी कैसे बोलता है, कैसे बोले? उठे बैठे, अब ऐसी सॉरी होने लगी इनकी, शैतान अब चल दिया। बड़ा मूडी बच्चा है ये, वैसे ये क्या सारे बच्चे मूडी होते होंगे। लेकिन एक सेकंड भी पूरे रूम को ऐसे तहस नहस कर देता है, कुछ नहीं टिकने देता है भाई। अभी वो ऊपर दिखा, ऊपर का बेड दिखा दे भैया, सारा ये कपड़े का क्या किया है, सारी एक जगह तह कर दी थी, रखी थी, धुले हुए थे, और सब देख रहे क्या हालत कर दिया इस बच्चे ने भाई। इसके साथ बहुत मुश्किल है, बहुत शैतान बच्चा है ये। अब जा रहा है वो दरवाजा खोलेगा, दरवाजा खोलता रहेगा, बंद करता रहेगा, यही काम करेगा। उसके बाद जाता है थोड़ी, अब उंगली दब जाएगी बेटू, हटा लो, फिर कहेगा तो तू। चलिए ठीक है, इनकी शैतानी ऐसे चलती रहेगी, ये तो पता नहीं कब सोएंगे। वैसे मैं इनकी देखती हूँ सेकेंड टाइम मील 1 बजे तक इनको दूंगी, देने के बाद अगर ये सोते हैं तो इनको सुला दूंगी, उसके बाद ही मैं कुछ काम कर पाऊंगी। आ गया बनमास, उसके बाद ही मैं कुछ काम कर पाऊंगी। इस व्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय गाइस। आ गया ये भी, आ गया ये, क्या कर रहे हैं, बाय कर दीजिए, चलिए सबको बाय करिए, बाय। टाटा का तो टाटा, टाटा कैसे बोलता है, टाटा टाटा का तो टाटा, टाटा फ्लाइंग किसी भी दे दो सबको। अरे बाबा ये तो बहुत सोना सोना बाबू है ना। ब्लॉक एंड हो गया था, बट अभी मैं ये मेरे साथ खेल रहा था और अचानक से ऐसे मेरा कान पकड़ा, हम देखे
मेरे एक कान में ईयरिंग से नहीं है, मैंने कहा ये जो अभी जब से मैं आई हूँ उसके बाद अभी मतलब जो बैठ के बोल रही थी, ये पहले खेल रहा था तभी मेरा निकाला हुआ था और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैंने कहा मैं ब्लॉग कैसे बनाऊँ, एक कान में ईयरिंग्स और एक कान में नहीं, सारा इस बच्चे की करामात है। बहुत शैतान हो गया, जा करके छुप रहा है, बहुत वहाँ पर जाके छुप रहा है, दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए देखिए देख कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, दरवाजा बंद करो, दरवाजा खोलने से बहुत परेशान हो रखा है। मम्मा की इनिंग्स कहाँ रखा बेटू, मम्मा की इनिंग्स कहाँ रखा, कहाँ चली दीजिए मम्मा को, चली चली जल्दी दीजिए मम्मा को।